ड्रीमफ्लिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉन्स्टर वर्ल्ड सीरीज की अगली कहानी है गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 2019। मॉन्स्टर वर्ल्ड सीरीज की पहली दो मूवीज गॉडज़िला 2014 और कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए या फिर उसका लिंक आपको पिन कॉमेंट में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। मोनार्क ने अब तक 17 टाइटन्स खोज निकाले हैं और उन्हें अलग अलग लोकेशंस पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा गया है। उनमें से एक लोकेशन है चाइना एक्सकेवेशन साइट, जहां डॉक्टर एमा रसल काम करती है। ये 5 साल पहले हुए गॉडज़िला और म्यूटोस की फाइट को याद करके आंसू बहा रही है, क्योंकि उस दिन इसने अपने बेटे एंड्रयूस को खो दिया था। एमा अपने हस्बैंड मार्क से अलग हो चुकी है और अपनी बेटी मेडिसिन के साथ चाइना के इस जंगल में रहती है। आज अचानक इन्हें जंगल से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। एमा साइट पर पहुंचती है तो इसकी आंखों के सामने मोथरा नाम की टाइटन जन्म लेती है। इतने सारे लोगों की भीड़ देख मोथरा एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन एमा ऑर्का नाम के डिवाइस की मदद से उससे कम्युनिकेट करती है और उसे शांत भी कर देती है। एमा की इस कामयाबी से सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ जोना नाम का एक इको टेररिस्ट अपने साथियों के साथ हमला कर देता है और एमा को उसकी बेटी मेडिसन और ऑर्का के साथ किडनैप कर लेता है। ये इन्हें मोनार्क से अंटार्कटिका साइट पे लेके जा रहा है। जोना का मानना है इंसान इस प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंसान प्रकृति को बहुत तेजी से बर्बाद करा है, ऐसे में ये टाइटन्स ही है जो प्रकृति में बैलेंस वापस ला सकते हैं, इसलिए उन्हें आजाद कर देना चाहिए। इसी दौरान यहाँ मोनार्क पर कोर्ट हियरिंग चल रही है। गवर्नमेंट का मानना है प्राइवेट संस्था मोनार्क, जिसे टाइटन को मारने का काम सौंपा गया था, वो अब खुद ही टाइटन्स को पाल रही है और ऐसा करने से पूरी मानव जाति पे खतरा मंडराने लगा है। लेकिन डॉक्टर सेरिज़ावा का मानना है ये दुनिया जितनी इंसानों की है उतनी ही उन टाइटन्स की भी है, इसलिए हमें उनके साथ जीना सीखना होगा। तभी अचानक डॉक्टर ग्रेहम को एमा के किडनैप होने की खबर मिलती है और ये दोनों कोर्ट हियरिंग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अब ये मार्क की मदद मांगते हैं, जो कि एमा का एक्स हस्बैंड है। ये कभी मोनार्क के लिए काम करता था, वो ऑर्का डिवाइस इसी की खोज थी, पर अपने बेटे एंड्रयूस की मौत के बाद इसने मोनार्क से नाता तोड़ लिया था। बहुत कन्विंस करने पर ये मदद करने को राजी हो जाता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एमा और मेडिसन को बचाना है। अब ये सभी मार्क को गॉडज़िला साइट बरमूडा पर लेके पहुंचते हैं, जो कि समुद्र के नीचे एस्टेब्लिश्ड है। काफी समय से इन्होंने गॉडज़िला का कोई सिग्नल महसूस नहीं किया है, जैसे वो यहाँ हो ही नहीं, लेकिन आज अचानक इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलने लगते हैं। गॉडज़िला बहुत तेज इनकी ओर बढ़ रहा है। साइट पर अचानक हलचल बढ़ जाती है और तभी गॉडज़िला इनके ग्लास वॉल पर एक जोरदार टक्कर मारता है। ये बहुत गुस्से में नजर आ रहा है, लेकिन मार्क को लगता है ये यहाँ हमारे लिए नहीं, किसी और को तलाशने आया है। अब इन्हें सिग्नल्स मिलते हैं कि गॉडज़िला अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा है। जोना भी एमा को अंटार्कटिका साइट पर ही लेके आया है और यहाँ इनका सबसे खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर जीरो है। डॉक्टर शेन बताती है मॉन्स्टर जीरो के बारे में इनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह गॉडज़िला का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। मोनार्क ऑफिसर्स गॉडज़िला के वहां जाने का कारण समझ जाते हैं और ये सभी भी मार्क के साथ अंटार्कटिका पहुंचते हैं। मोनार्क सोल्जर्स जोना की टीम से मुकाबला करते हैं। मार्क एमा और मेडिसन को देख उन्हें अपने पास बुलाता है, लेकिन एमा मेडिसन को रोक लेती है और वो भी अपने पिता को छोड़ मां के साथ ही जाने का फैसला लेती है। अब एमा बर्फ की दीवार को तोड़कर मॉन्स्टर जीरो को आजाद कर देती है और मेडिसन को लेकर जोना के साथ यहां से भाग जाती है। यानी ये किडनैपिंग तो बस एक नाटक था, एमा अपनी मर्जी से ही मॉन्स्टर जीरो को यहां आजाद करने के इरादे से आई थी। मॉन्स्टर जीरो भी बाहर आते ही तबाही मचाना शुरू करता है। मोनार्क ऑफिसर्स हो या जोना के आदमी, सभी इससे बचते फिर रहे हैं। मेडिसन एमा से ऑर्का छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर इन पर हमला करे एमा ऑर्का को बंद कर देती है। मॉन्स्टर जीरो का मुकाबला करने गॉडज़िला आ जाता है। दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होती है। गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रेथ के जवाब में मॉन्स्टर जीरो उस पर येलो ग्रेविटी बीम छोड़ता है और फिलहाल तो वो गॉडज़िला पर भारी भी पड़ जाता है। दोनों टाइटन्स की लड़ाई में इन्हें भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन मार्क, जो कि हमेशा से गॉडज़िला को मरता देखना चाहता था, अब मॉन्स्टर जीरो की ताकत को देख शॉक्ड रह जाता है। ये सभी बेस पे लौटकर मॉन्स्टर जीरो को ट्रैक करते हैं, लेकिन वो ब्राजील के आगे बढ़ता हुआ कहीं गायब हो गया है। इन्हें यकीन नहीं हो रहा जिस एमा ने इन सबको ट्रेन किया था आज वो गद्दार हो गई है। तभी वो इन्हें वीडियो कॉल करके ऐसा करने का कारण बताती है। इसका मानना है इंसान ने प्रकृति को बर्बाद कर दिया है, टाइटन्स की मदद से ये दोबारा इकोलॉजिकल बैलेंस वापस लाना चाहती है।
यानी जिन्हें ये मॉन्स्टर समझ रहे हैं, वही पृथ्वी को तबाह होने से बचा सकते हैं। वो जहां जहां जाएंगे उनकी रेडिएशन की मदद से पृथ्वी खुद को रिस्टोर करने लगेगी, और ऐसा करने के लिए इन्हें सभी टाइटन्स को आजाद करना जरूरी है। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही एमा मेक्सिको साइट से अगले टाइटन को आजाद करती है, जो कि एक जायंट बर्ड है। वो ज्वालामुखी को चीरते हुए बाहर निकलती है और देखते ही देखते पूरे मेक्सिको शहर को तबाह करने लगती है। शैन मार्क को बताती है इस बर्ड का नाम रोडैन है, जिसे फायर डीमन माना जाता है। अब ये देखते हैं मॉन्स्टर जीरो भी रोडैन की ओर बढ़ रहा है। मिलिट्री रोडैन पर फाइटर प्लेन से हमला करती है, लेकिन इससे रोडैन और गुस्से में आ जाती है और इनके फाइटर प्लेन्स को टक्कर मारकर क्रैश करने लगती है। मोनार्क को लगता है रोडैन को शांत करने के लिए इसे मॉन्स्टर जीरो के सामने ही लाना ठीक होगा। इन दोनों का आमना सामना होते ही इनके बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो अपनी ग्रेविटी बीम से रोडैन को बुरी तरह घायल कर देता है। अब एडमिरल स्टैंस इन्हें लड़ाई बंद करने को कहते हैं। इन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसके हमले से 4 किलोमीटर की रेडियस की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हर जिंदा चीज मारी जाएगी। सेरिज़ावा ऐसा नहीं करना चाहता, उसे अब भी गॉडज़िला की ताकत पर भरोसा है। पर स्टैंस ने तो पहले ही मिसाइल दाग दी है। अब गॉडज़िला और मॉन्स्टर जीरो इनकी आंखों के सामने लड़ रहे हैं और मिसाइल भी दोनों की ओर बढ़ती जा रही है। गॉडज़िला मॉन्स्टर जीरो की गर्दन उखाड़ देता है और तभी ऑक्सीजन मिसाइल एक्सप्लोड होती है। समुद्र की सभी मछलियों के साथ साथ गॉडज़िला भी मर जाता है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो का इस पर कोई असर नहीं होता। वो अब ज्वालामुखी पर बैठकर जोर से दहाड़ता है और अपने आप ही उसकी कटी हुई गर्दन ऐसे रिग्रो हो जाती है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसकी दहाड़ को सुन देखते ही देखते डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर्ड सभी टाइटन्स आजाद होने लगते हैं। जोना को लगता है ये सब एमा ने किया, लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब तो मॉन्स्टर जीरो कर रहा है। अब चाइना कोकून साइड से आखिरी टाइटन मोथरा भी आजाद हो जाती है और वो एक जायंट बटरफ्लाई की तरह बहुत खूबसूरत है। इधर मेडिसन एमा पर नाराज होती है, उसे लगता है उसकी माँ एमा एक मॉन्स्टर है जो अपने पागलपन में दुनिया को तबाह कर रही है। यहाँ सभी मोनार्क ऑफिसर भी इस बात से हैरान हैं कि मॉन्स्टर जीरो पर ऑक्सीजन मिसाइल का असर क्यों नहीं हुआ। और अब चैन सेरिज़ावा को बताती है सदियों पहले आसमान से एक ड्रैगन गिरा था जिसे किंग गिडोरा कहते हैं। वो एक एलियन टाइटन है जो पृथ्वी को तबाह करने के इरादे से वापस आया है, इसीलिए गॉडज़िला भी इसे मारना चाहता था। एडमिरल स्टैंस टाइटन को रोकने का प्लान बना रहा है, पर मार्क इन्हें बताता है ये सभी टाइटन्स गिडोरा के दिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। वो उसे अपना राजा मानते हैं, इसीलिए अगर हम किंग गिडोरा को रोक पाएंगे तो सभी अपने आप रुक जाएंगे। सेरिज़ावा कहता है सिर्फ गॉडज़िला ही था जो गिडोरा का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है और बाकी टाइटन्स उसके गुलाम हो चुके हैं। एमा को एहसास हो गया है मॉन्स्टर जीरो को आजाद करना इसकी भूल थी, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऑर्का की मदद से सभी टाइटन्स को शांत किया जा सकता है। जोना ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे मोनार्क को इनका ठिकाना मालूम पड़ जाएगा। मेडिसन भी छिपकर इनकी बात सुन रही है और अब वो ऑर्का को चुरा कर यहाँ से भाग जाती है। इधर मार्क भी मेडिसन को ढूंढने जा रहा है और तभी मोथरा इनके सामने आ जाती है। शैन बताती है ये टाइटन्स की रानी है और गाने जैसी आवाज निकाल कर अपने राजा गॉडज़िला को पुकार रही है। ये सुनते हैं गॉडज़िला ने भी इसकी आवाज को रिस्पॉन्ड किया है, यानी वो मरा नहीं अब तक जिंदा है। अब ये पता लगाते हैं गॉडज़िला समुद्र की सतह पे जाकर अपनी रेडिएशन एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है और मार्क आइडिया देता है अगर हम उसके पास जाकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें तो गॉडज़िला की एनर्जी तुरंत रिस्टोर हो जाएगी। अब मिलिट्री गिडोरा को रोकने वॉशिंगटन DC जाती है और मोनार्क टीम सबमरीन से न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर गॉडज़िला के पास जा रही है। इनकी सबमरीन पानी के तूफान में खींची जा रही है, पर रिक बताता है ये कोई तूफान नहीं, समुद्र की सतह के नीचे एक सुरंग होती है जिसे हम होलो अर्थ कहते हैं। अब ये होलो अर्थ में एंटर कर जाते हैं। यहाँ इन्हें एक अलग ही दुनिया नजर आती है। चट्टानों पर बनी स्क्रिप्चर्स में गॉडज़िला के इंसानों के साथ चित्र हैं, जो कि सबूत है कि हजारों साल पहले इंसान और टाइटन्स एक साथ रहा करते थे। मेडिसन भी भागते हुए ऑर्का के साथ बॉस्टन स्टेडियम पहुंचती है और जैसा कि एमा करना चाहती थी टाइटन्स को रोकने के लिए, ये ऑर्का को स्टेडियम स्पीकर से कनेक्ट कर इको लोकेशन जनरेट करने लगती है। यहाँ बढ़ते रेडिएशन की वजह से इनकी सबमरीन खराब हो जाती है। ये देखते हैं गॉडज़िला यहाँ रहकर रेडिएशन सोख रहा है, लेकिन ऐसा करने में तो इसे कई साल भी लग सकते हैं। इनकी सबमरीन आगे तो नहीं बढ़ सकती, यानी इन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड को गॉडज़िला के पास ले जाकर मैन्युअली एक्टिवेट करना होगा। ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से ये मारा जाएगा, सेरिज़ावा जाना चाहता है क्योंकि इसका मानना है गॉडज़िला इनके लड़ते हुए मरा और उसे बचाकर ही दुनिया को बचाया जा सकता है।
मिलिट्री रोडैन का सामना करने में नाकामयाब हो रही है, लेकिन तभी मेडिसन ऑर्का चला देती है और सभी टाइटन्स जहां कहीं भी हैं शांत हो जाते हैं। सेरिज़ावा अकेले ही गॉडज़िला के घर पहुंच जाता है और गॉडज़िला को अलविदा दोस्त कहते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिवेट कर देता है। सेरिज़ावा तो मर जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में गॉडज़िला आउट खड़ा होता है और इसकी एटॉमिक ब्रेथ बता रही है कि ये अपनी पूरी ताकत के साथ लौटा है और गिढोरा का मुकाबला करने को तैयार है। ऑर्का सिग्नल्स की वजह से गिढोरा और गॉडज़िला दोनों ही बॉस्टन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्क ऑर्का को फॉलो करते हुए मेडिसन तक पहुंचना चाहता है और एमा भी मेडिसन को बचाने के लिए जोना का साथ छोड़ देती है। ऑर्का को फॉलो करते हुए गिढोरा स्टेडियम पर हमला कर देता है। मेडिसन अपनी जान बचाने के लिए ऑर्का को फेंक देती है। इससे पहले कि गिढोरा उसे मारे, गॉडज़िला आ जाता है और उसका साथ देने के लिए मिलिट्री भी पूरी ताकत से गिढोरा पर हमला कर देती है। अब ये देखते हैं जिस तरह गॉडज़िला की रेडिएशन बढ़ रही है, ये अगले 12 मिनटों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर जाएगा। यहाँ गॉडज़िला और गिढोरा का घमासान युद्ध जारी है और मोथरा भी इसके मदद करने आ जाती है। वो गिढोरा पर जाल फेंक कर उसे फंसाती है और गॉडज़िला उस पर एटॉमिक ब्रेथ फेंकने लगता है, लेकिन तभी मोथरा को रोकने रोडैन वहां आ जाती है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब गिढोरा अपने रुद्र रूप में आकर आसमान में ऐसी बिजली चमकाता है कि सभी फाइटर प्लेन्स क्रैश करने लगते हैं। रोडैन, जो अब तक मोथरा पर भारी पड़ रही थी, उसके डंक से बेहोश हो जाती है। मेडिसन को ढूंढते हुए एमा और मार्क भी मिल जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब गिढोरा गॉडज़िला को आसमान में लेके उड़ जाता है और उसे नीचे फेंक कर बुरी तरह घायल कर देता है। गॉडज़िला की रानी मोथरा गिढोरा को रोकने आती है, लेकिन उसकी ग्रेविटी बीम का सामना नहीं कर पाती। गिढोरा अब गॉडज़िला की गर्दन चबा रहा है, लेकिन एमा उसे बचाने के लिए ऑर्का को ठीक कर गिढोरा को अपने पास बुला लेती है ताकि गॉडज़िला को संभालने का मौका मिल जाए, और इस तरह वो मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। गॉडज़िला न्यूक्लियर एनर्जी से एक चलते फिरते वॉल्केनो की तरह दिख रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से गिढोरा पर हमला करता है। उसकी न्यूक्लियर एनर्जी के आगे गिढोरा जलकर राख हो जाता है और गॉडज़िला इसे पूरी तरह निगल जाता है। किंग गिढोरा तो मारा गया। अब आखिरी सीन में सभी टाइटन्स वहां आ जाते हैं और गॉडज़िला के आगे सर झुकाकर उसे अपना राजा स्वीकार लेते हैं। दी एंड। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मॉन्स्टर वर्ल्ड सीरीज की पहली दो मूवीज की कहानी देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। हम इसकी अगली कहानी गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग भी जल्द ही ले आएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।